मदीना मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियाँ इतिहास आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में जो कहानी बताने जा रहे हैं उसे आज से पहले किसी ने नहीं सुनी होगी, और इस बात की गारंटी अल्लाह के चमत्कार की गवाही ये वीडियो के साथ ही आपको बताएंगे। मक्का मदीना से जुड़े हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, खिलाफत है, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में बैठे हुए एक बंदे आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला से एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस शादी को पूरे 6 महीने मुकम्मल हो गए और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 ही महीने हुए थे तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर ये पाई जाती थी, 6 महीने में बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वे आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया, ये बच्चा हलाल का है या हराम का, और इससे पहले ऐसा वाक्या कभी भी पेश नहीं आया, किसी औरत ने 6 महीने के बाद ही किसी बच्चे को जन्म दिया हो, और ये पहला वाक्या था। और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद उन तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चों को हराम का समझा जाता है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन पर गाड़ के रजम का अमाल शुरू कर दिया जाए। जब आपने ये हुक्म दे दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और फैलते फैलते ये खबर हजरत रजी अल्लाह ताला के कानों में भी जा पहुँची। अब हजरत रजी अल्लाह ताला ने उस मैदान के बजाय जहाँ औरत को संगसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछे, ए उस्मान, क्या कहना? आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को संसार कर दिया जाए जिसने 6 महीने के बच्चे को पैदा किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मैंने हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत रजी अल्लाह ताला ने साथ फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अली, अपने हिसाब और किताब लगाया कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। और हजरत रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने और ये सब सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। हजरत रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो अमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 महीने। हजरत रजी अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा 2-2.5 साल बनते हैं, तो इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाते हैं कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल ले, जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, ये वाली बात तो तुमने ठीक कही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत तक अगर किसी औरत के 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उस हलाल का कबूल किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, अल्लाह ना करे उस औरत को संसार कर दिया तो कयामत के दिन उस्मान क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला रोने लगे और अपनी चीखें निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे कि उस्मान कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए उस औरत को बचाइए। हजरत रजी अल्लाह ताला ने भी वहाँ से निकले और वे सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और सिर्फ उसका चेहरा बाहर था, और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और तमाम रो रही थी और उसे बातें कह रही थी, और सिपाही भी पहुंच गए। हजरत रजी अल्लाह ताला भी पहुंच गए। उसी वक्त वहां पहुंचते ही
हजरत उस्मान अल्लाह ताला ने कसम को रोकने का हुक्म दे दिया। उसी वक्त उसमें उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन मत रो न गम कर, और कहने लगी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला ने के हुक्म से मुझे रजम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ यहाँ तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ भी नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, जिस तरह परिंदे के दो अंडे अगर मिल जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की सगल सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है। तो दोस्तों एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा होता है तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको ये वाक्या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारी वीडियो को